फ्रेंड्स वेलकम बैक माई सेल्फ एस किटी अग्रवाल और आज अपन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर अपना जो वीडियो था प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट में अपने जो वीडियो हैं वो बनाए भी थे जो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर अपन थर्ड वीडियो लेके आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करना है। और ये जो वीडियो है वो ख़ासतौर से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्कूल लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर की खासतौर से बायोलॉजी या बॉटनी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन अपन देखें 41 थ्री पॉइंट्स इवेंट इज प्लांट लीड टू स्पेसिएशन व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स। तो अपन ये देखें कि पौधे में जिन महत्वपूर्ण घटनाओं प्रजाति बनाने में सहायक है दैट मीन्स कोई भी स्पीसीज फॉर्मेशन करने के लिए कौन सी घटनाएँ जो हैं वो आवश्यक हैं तो कौन सी होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देखो जैसे म्यूटेशन है सिलेक्शन है और आइसोलेशन है। तो यहाँ पर ये जो इवेंट है वो तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। म्यूटेशन भी है सबसे पहले म्यूटेशन हुआ है उसके बाद में सिलेक्शन हुआ है उनका और उसके बाद में आइसोलेशन हुआ है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो ये वाला जाएगा फर्स्ट वाला क्योंकि इसमें तीनों करेक्टर है वो अवेलेबल है म्यूटेशन सिलेक्शन और आइसोलेशन किसी भी न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 42 एम्ब्रियोलॉजिकल विच फैमिली हैज सेपरेटेड फ्रॉम द ओनाग्रेसी। ओनाग्रेसी से एम्ब्रियो बेसिस पे कौन सी फैमिली को सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पर अपन देखें यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ट्रेपेसी फैमिली को सेपरेट किया गया है ओनाग्रेसी से किसके बेसिस पे एम्ब्रियो की डिफरेंशिएट के बेसिस पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 43 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो यहाँ पर अपन देखें प्रोटीनेशियस नेचर जो है वो किसका है इनमें से तो प्रोटीनेशियस जो नेचर है वो आ जाएगा इसमें से फाइकोरिथ्रिन क्योंकि फाइकोरिथ्रिन क्या है एक प्रकार की प्रोटीन है। तो यहाँ पर प्रोटीन नेचर पूछा है तो प्रोटीन नेचर आ जाएगा फाइकोरिथ्रिन जो खास तौर से अपन जानते भी है रेड एल्गी और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उन दोनों के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा फाइकोरिथ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 44 द एंजाइम फोटोलाइएज रिपेयर द डैमेज डीएनए टू अल्ट्रावायलेट इन डीएनए द प्रोसेस इज कॉल्ड। जो डीएनए में जो अल्ट्रावायलेट के कारण से जो डैमेज होता है जैसे अपन जानते हैं म्यूटेशन होता है जिसे अपन थायमिन का डाइमर बोलते हैं और थायमिन डाइमर जो है वो वापस से बॉन्ड जो नॉर्मल कन्वर्ट हो सकता है फोटोलाइएज के कारण से तो वो जो प्रोसेस है उसे अपन क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है फोटो रीएक्टिवेशन फोटोलाइसिस तो यहाँ पर अपना ऑप्शन आ जाएगा डी फोटो रीएक्टिवेशन। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फोटो रीएक्टिवेशन जो डीएनए की डैमेज को रिवर्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है जैसे थायमिन के डाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद बोथ फ्लावर इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन। तो इनमें से कौन सा जो एग्जांपल है जो इंडक्शन करता है फ्लावरिंग इंडक्शन और सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन के लिए और फ्लावरिंग इंडक्शन के लिए इनमें से देखा जाए तो कौन सा है। तो यहाँ पर अपन देखें जैसे फाइटोक्रोम है तो फाइटोक्रोम जो है वो क्या है सीड जर्मिनेशन और फ्लावर के इंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर अपना राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फाइटोक्रोम तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 46 के अंदर द एपरेटस यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज नोन एज। ट्रांसपायरेशन की रेट को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट काम आता है उसे क्या कहते हैं तो वो आ जाएगा फोटोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है फोटोमीटर। तो यहाँ पर ये जो है वो इसकी ट्रांसपायरेशन रेट को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है फोटोमीटर। और ये जो फोटोमीटर हैं इनके वैसे देखा जाए तो काफ़ी अलग अलग टाइप्स के होते हैं जैसे फॉर्मर का फोटोमीटर है गेनोन का फोटोमीटर है और डार्विन का फोटोमीटर है। तो ये इसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 47 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फाउंड इन सोर्स सुक्रोज। तो सुक्रोज के अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो कौन सा होता है
तो सुक्रोज के अंदर अपन जानते हैं एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो इसके अंदर बॉन्ड जो पाया जाता है वो पाया जाता है अल्फ़ा वन और बीटा टू बॉन्ड पाए जाते हैं। अल्फ़ा वन बीटा टू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज ए माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम। ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस किए थे कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाएगा, बार बार पूछा भी जाता है कि मार्कर एंजाइम जो है वो कौन सा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और मेम्ब्रेन के धंसा हुआ एंजाइम भी कौन सा है, तो मेम्ब्रेन के अंदर भी धंसा हुआ, और ETS में यूज़ आने वाला एंजाइम भी कौन सा है, तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पर अपना राइट आंसर आ जाएगा सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज या सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। राइट आंसर होगा सी, जो माइटोकॉन्ड्रिया का एक मार्कर जीन है, एंजाइम है, और जो ETS में भी काम में आता है और क्रेब साइकिल में भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड। तो लीव्स की जो टिप है उनके द्वारा यदि वाटर का लॉस होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें कि गटेशन क्या होता है, तो गटेशन जो होता है वो जो लीव की जो जैसी कंडीशन है, ये लीव है, इसकी लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं जो किनारों के ऊपर रहते हैं, जिनको हाइड्रेथोड्स बोलते हैं, और ये हाइड्रेथोड्स से इनके अंदर वाटर से वो बाहर निकलता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में। और ये जो वाटर होता है उसके अंदर ख़ास तौर से शुगर भी पाए जाते हैं, कुछ एमिनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, और कुछ कार्बनिक एसिड भी या ऑर्गेनिक एसिड भी पाए जाते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना गटेशन, जो हाइड्रेथोड पोर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 50। इन डाइकोट टू इंड्यूज कैलोजेनेसिस इन कैलस, द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन इन रिलेशन टू ऑक्सीजन नीड। जैसे किसी भी प्लांट्स को कल्चर करते वक्त अपन प्लांट टिश्यू कल्चर जो करते हैं उस टाइम में अपन देखें कि आपको कैलस से सूट को प्रोड्यूस करना है, या अपन कहें कैलस फॉर्मेशन करना है, तो कैलस फॉर्मेशन में कौन से कंटेंट है वो ज़्यादा रखे हैं दोनों हार्मोन में से, क्योंकि अपन जानते हैं दोनों हार्मोन यूज में आते हैं ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर अगर साइटोकाइनिन की मात्रा ऑक्सीजन के कंपेयर हल्का सा अगर ज़्यादा रखें तो उसमें कैलस का फॉर्मेशन आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हाई, थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए 51। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज़ फाउंड इन, तो फ्यूकोजेंथिन जो पिगमेंट है वो देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी के अंदर। तो यहाँ पर नॉर्मल सा है ब्राउन एल्गी के फ्यूकोजेंथिन जो है वो पिगमेंट देखने को मिलता है, जो ख़ास तौर से जो येलो पिगमेंट्स हैं, येलो जो कलर है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और फ्यूकोजेंथिन जो है वो 40 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, C40H56O6 पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 52। फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम लीफ मेसोफिल सेल्स द एंजाइम मिक्सचर यूज कंटेनिंग मैनिटोल्स। तो किसी भी सेल से जो प्रोटोप्लास्ट आपको आइसोलेट करना है तो उनकी जो सेल वॉल है उसको रिमूव करना पड़ेगा, और उसके लिए जो सोल्यूशन होता है, जिसका सोल्यूशन बना होता है वो मैनिटोल होता है, उसमें एंजाइम्स यूज में लिया जाता है। तो एंजाइम्स अपन जानते हैं हेमिसेलुलोज, और एक होता है मैक्रोजाइम होता है, और एक हेमिसेलुलोज होता है। तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन अपन देखें बी जो ऑप्शन है, लेकिन इसमें हेमिसेलुलोज के बजाय सेल्युलोज यूज में ले, क्योंकि सेल वॉल जो है वो खास तौर से मेन जो कंपोनेंट होता है वो किसकी बना होता है, सेल्युलोज की बना होता है। तो यहाँ पर सेल्युलेज एंजाइम सेल्युलोज को रिमूव करने वाला, मैक्रोजाइम लाइक एज द पेक्टिनेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 53। फाइटोक्रोम वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो जो फाइटोक्रोम है वो डिस्कवर्ड किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है। तो यहाँ पर अपन देखें ऑप्शन जैसे जैसे दिए गए हैं ये, तो यहाँ पर वेंट जो है ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, हेल्स अपन जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस की, और जो ब्लैकमैन है जो उसकी दी थी जो मिनरल्स है, ख़ास तौर से अपन कहें डेफिशिएंसी जो है किसी मिनरल्स की, उसके बारे में इसको बताया था। लेकिन जो फाइटोक्रोम है उसकी डिस्कवरी की थी गार्नर एंड एलार्ड ने। तो यहाँ पर इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, गार्नर एंड एलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 54। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज्ड, तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन रिलीज, तो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन हमेशा रिलीज होती है वाटर से।
यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वाटर, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द पॉलीसेकेराइड फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रक्टोज मोनोमर ओनली इज, तो फ्रक्टोज से बना हुआ जो पॉलीमर है उसे अपन क्या कहते हैं, इनुलिन जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, फ्रक्टोज के पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इसका इनुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 56, ए पिगमेंट कंसर्न्ड विद बोथ फ्लोरल इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन, फ्लोरल इंडक्शन और सीड जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो कौन सा होता है, तो फाइटोक्रोम। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ शायद, तो ये दोनों को इंड्यूस करने के लिए यूज में होता है फाइटोक्रोम। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 56 या 57, ड्यूरिंग ईएमपी पाथवे द एटीपी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द, तो एटीपी कौन से पाथवे के द्वारा मतलब एटीपी प्रोड्यूस होता है, तो कौन से पाथवे से होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ईएमपी पाथवे में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्योंकि क्रेब साइकिल में भी एक जो देखने को मिलता है वो सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर एक जगह एटीपी बनती है, सक्सिनेट से अपन देखें फ्यूम रेट में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम में ये बनता है एटीपी या जीटीपी, और ग्लाइकोलाइसिस में भी बनता है डायरेक्ट एटीपी। तो डायरेक्ट जो एटीपी बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 58, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड द एंजाइम अल्फा एमाइलेज इज सिक्रेटेड बाई, तो अल्फा एमाइलेज जो है वो सिक्रेटेड होता है एल्यूरोन लेयर से, क्योंकि एल्यूरोन लेयर को इंड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, जिब्रेलिक एसिड, और जिब्रेलिन जो एसिड है या जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो रिलीज किया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा, और एल्यूरोन लेयर जो है वो फिर उसके अगेंस्ट में रिलीज करता है अल्फा एमाइलेज, जो क्या करता है स्टार्च को ब्रेक करता है, और स्टार्च को ब्रेक करने के बाद में फूड का लेवल जो है उसको बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एल्यूरोन लेयर। नेक्स्ट अपन देखें, 59, फेट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम लाइपेज टू यील्ड, तो लाइपेज एंजाइम जो है वो फेट को तोड़ता है, और क्या क्या बनता है, तो नॉर्मल सी बात है जब फेट को अपन तोड़ते हैं तो दो कंपोनेंट बनते हैं, कि तीन तो फैटी एसिड बनते हैं और एक एल्कोहल बनता है जो आ जाएगा ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर अपन देखें ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एक ग्लिसरॉल बनता है और तीन फैटी एसिड बनते हैं। नेक्स्ट अपन देखें 60 नंबर क्वेश्चन, तो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ग्रोथ हार्मोन, इनमें से नेचुरल ग्रोथ हार्मोन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर अपन देखें TIBA, ये जो कंडीशन है TIBA इज नॉट ए नेचुरल हार्मोन, इट इज आर्टिफिशियल सिंथिसाइज्ड हार्मोन, और इसको यूज में लिया जाता है प्लांट की ग्रोथ है उसको रेगुलेट करने के लिए, खासतौर से इसमें इसको यूज में लिया जाता है कि प्लांट्स की ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है इसके द्वारा, ITBA के द्वारा। और यहाँ पर जो आई या TIBA जो है वो क्या है, 2,3,5 ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3,5 ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। इसी प्रकार से जो एग्जाम्पल है वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्सी फ्लोरेन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो हैं वो खासतौर से होते क्या हैं, ये होते हैं जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है, और ऑक्सीजन के मतलब उसके अपन बात करें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जाइलम के थ्रू होता है खासतौर से, और ये ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट है उनको क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं, इसलिए इसे अपन कह सकते हैं इनहिबिटर ऑफ पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो ऑक्सीजन हार्मोन है उस ऑक्सीजन हार्मोन के ट्रांसपोर्ट को ये क्या करते हैं, इनहिबिटर करते हैं या इनहिबिट करते हैं, इसलिए TIBA को अपन क्या कहते हैं, इनहिबिटर ऑफ पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ये इस प्रकार से इसके, और इसमें कुछ और भी एग्जांपल अपन देखें, जैसे कोर्सेटीन या क्यूरसेटीन जो है फ्लेविनोल, ये भी क्या होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, और जेनिस्टीन ये भी क्या करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। तो ये जो दोनों हैं क्यूरसेटीन और जेनिस्टीन, ये दोनों क्या करते हैं नेचुरल ऐसे इनहिबिटर हैं जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं, जबकि TIBA और HFCA ये दोनों कैसे हैं सिंथेटिक इनहिबिटर हैं, मतलब आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा TIBA। इस प्रकार से अपने जो 60 क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए अपने चैनल के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स।